और पहाड़ के एकदम ऊपर एट द टॉप ऑफ द हिल ये बोधिस मॉनेस्ट्री है, ये स्टैच्यू है, जैसा आई एम एक्सप्लोरिंग राइट नाउ मैन. आपका नाम? मेरा नाम रिंचेन श्रिंग भुटिया. रिंचिंग? रिंचेन श्रिंग भुटिया. रिंचेन श्रिंग भुटिया. थैंक यू सर फॉर गिविंग यू योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. सो गाइस ये जो पूरा मॉनेस्ट्री है, ओके, इसको बौद्धिस्ट में मॉनेस्ट्री को क्या बोला जाता है? गुंपा. गुंपा, ये भी तो गुंपा है ना? गुंपा है ये. ये सफेद सफेद फ्लैग लगा हुआ है, पर कुछ मंत्र मंत्र लिखा हुआ है. मंत्र मानी बोलते हैं. कि क्या बोलते मानी तिब्बतन में. अच्छा, ये कोई मंत्र है, स्पेल. सिक्किम अरिटा ये जो जगह है, यहाँ का एक बहुत ही बड़ा मॉनेस्ट्री है, बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, जिसको बोला जाता है यहाँ का लोकल टर्म में गुमटा. गुमटा बोला जाता है ना, गुमटा. हाँ भैया, इसको गुम्पा, सॉरी गुम्पा बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मॉनेस्ट्री बोला जाता है, इसको यहाँ पर लोकल सिक्किम के लोग गुम्पा बोलते हैं, राइट. तो ये गुम्पा में हम लोग आ चुके हैं. दिस इज द मॉनेस्ट्री, लोकल टर्म गुम्पा. वाह, व्हाट अ ब्यूटी. ये बहुत ही खूबसूरत है मॉनेस्ट्री, बट अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं शायद. ये अंदर से क्लोज है, पता नहीं क्या है. अभी क्लोज है ना? इज इट क्लोज? इट क्लोज. इज अ बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, राइट, बट इन लोकल टर्म इट इज कॉल्ड गुम्पा. सो इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन मॉनेस्ट्री एंड गुम्पा? दोनों सेम है. ओके, गुम्पा इज टिबेटियन. ओके, नाइस इंफॉर्मेशन. टिबेट के लोग मॉनेस्ट्री को बोलते हैं गुम्पा, राइट. ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ भाई, सो जस्ट नोट कर लेना, राइट. तो ये जो मॉनेस्ट्री है कौन चलाते हैं? जस्ट टिबेटियन लोग, बिकॉज टिबेटियन तो बहुत है यहाँ पर. यहाँ तो सामने ही टिबेट है. टिबेट है, फाइन फाइन फाइन. टिबेट बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर टूरिज्म तो नहीं होता वहाँ पर, कोई टूरिज्म नहीं होता. चाइना वाले सब कब्जा करके मैं वहाँ को. तो जो जो तिब्बत का जो जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो रहता है हिमाचल में शायद. हिमाचल में रहता है ना? हिमाचल में जाते हो वहाँ पर जो जो आप लोग का जो प्राइम मिनिस्टर है. इंडिया का तो एक रेजिमेंट भी है तिब्बत के लोगों के लिए. क्या रेजिमेंट का नाम था जो अभी जो जो एक्शन हुआ था, जो एक्शन हो के जो काला टॉप ये सब कैप्चर किया तिब्बत का जो सोल्जर ही जाकर ये क्या था. तो तिब्बत का लोग बहुत ही यू नो जस्ट लाइक पेट्रियट होता है. तो आप लोग की जेनेटिकली तिब्बतियन हो, लोकल हो यहाँ का? लोकल. ओके, मतलब और तिब्बत आपका जो फोर फादर तिब्बत में रहते थे, फोर्थ में रहते थे. या दैट्स गुड, नाइस. तो थोड़ा सा घूम के आते हैं अंदर. ओके ठीक है. तो ये एक अलग सा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि मैंने तिब्बत के बारे में बहुत आप लोगों ने सुना है, खासकर इंडिया में जो चीज़ होता है. ये देखो, ये अब हर मॉनेस्ट्री में जाओगे यू विल फाइंड दिस घुमाने वाला चक्का. ओके, इसको घुमाओ, भाग्य का चाका घूम जाता है, राइट. घुमाओ 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 घुमाओ. ये देखो, आवाज़ भी उड़ रहा है. Excuse me, what is the significance of this kind of chakka in Bodhi monasteries? Because I found all the same this kind of things. Mantar. Mantar. Mani bolte hain. Ki kya bolte hain? Mani. Tibetan mein. Acha, ye koi mantra hai, spell. Acha acha acha, log prarthana karte hain. Okay, that's fine, nice. Okay. So chalo, iska bhi meaning pata chal gaya. Abhi andar andar chalte hain monastery ka. ये सब रूम क्लोज है, पर ठीक है, चलो बाहर में आपको मिलेगा तिब्बत का एक बहुत ही ब्यूटीफुल 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 एक आर्किटेक्चर. कलर देखो, कॉम्बिनेशन देखो, सब कुछ एक डिफरेंट है. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर. पूरा एकदम जंगल के बीच में शांत एनवायरनमेंट में ये है तिब्बतियन बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जिसको तिब्बत के लोग बोलते हैं गुम्पा. गुम्पा, तो चलिए, ये है गुम्पा का जो मेन जगह. तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा ऊपर जाके घूम घूम के आते हैं. ये एंट्री, बट ये तो बंद है. इतना खूबसूरत है ना ये पिलर, देखो. ओके, ये अब भी ट्रेवलिंग का ये बहुत ही बढ़िया मज़ा होता है. सो ये है पीछे का सीन, पीछे भी बहुत खूबसूरत. ये क्या है?
अंदर आग जल रहा है, ये भी बंद है, पर बाहर से दिखाते हैं आपको। वाह, कितने सारे दिए जल रहे हैं यहाँ पर, माय गॉड, देखो कितने सारे दिए जल रहे हैं। फिर से भी देखते हैं, फाइन फाइन। एक्चुअली मैं जब नेपाल में गया था वहाँ पर भी जो मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पर भी सेम कस्टम्स रिचुअल्स फॉलो होते हैं। बौद्धिस्ट लोग हैं दुनिया में, बहुत खूबसूरत होते बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री। जस्ट लुक एट द प्लेस मैन, पूरा पहाड़ जंगल उसके बीच में मोनेस्ट्री, वाओ, आते ही दिल खुश हो गया। ओके, गोल गोल घूम रहा हूँ, फीलिंग सो गुड। एक्चुअली नेचर आपको हर वक्त सरप्राइज करेगा। नेचर के साथ अगर कुछ ब्यूटिफिकेशन एक्स्ट्रा मिलता है वो तो बढ़िया बात है। तो मोनेस्ट्री में प्रार्थना वर्थना होता है 4 बजे तक, 4 बजे के बंद हो जाता है। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, अभी शायद 4:30-5 बज चुके हैं। सो दिस इज द रूम जहाँ पर लोग कुछ करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। तो ये मोनेस्ट्री का सीन है। तो चलो और कोई इन्फॉर्मेशन जानने का कोशिश करते हैं। ये बीच में है खम्बा, इस खम्बे का कोई शायद मीनिंग होगा, राइट? क्या है मीनिंग पता नहीं, ओके, बट एवरीथिंग इज फाइन। ये देखो यहाँ पर भी दूसरा रूम है। यहाँ का कल्चर देखो, एक बहुत ही अलग सा कल्चर। मैं जो बौद्धिस्ट, ये लोग जो बौद्धिस्ट लोग मोनेस्ट्री में जाता हूँ, बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री का जो आर्किटेक्चर इज क्वाइट सिमिलर टू चाइनीज एंड थाई आर्किटेक्ट्स। ओके, ये पूरा का पूरा सीन है, राइट? ये पूरा का पूरा सीन है। ओके, अमेजिंग, खूब अच्छा लग रहा है ना। सागर, हाउ यू फीलिंग? फीलिंग गुड? एक्चुअली शाम के वक्त है, ठंड जबरदस्त है, क्लाउड है, बहुत क्लाउड है, पूरा देखो आसमान में पूरा क्लाउड है, क्लाउड है। और एक इतना खूबसूरत एक शांत एनवायरनमेंट में आकर किसको बुरा लगता है, हर सभी को अच्छा लगता है। एंड रियली एंजॉइंग द एनवायरनमेंट, रियली एंजॉइंग द एनवायरनमेंट। ओके, तो व्हाट इज द ओपनिंग टाइम ऑफ दिस गुम्पा? मॉर्निंग, व्हाट टाइम? 6 AM एंड क्लोजिंग टाइम इवनिंग 6 PM। तो अभी तो 6 नहीं बजा है, 3 PM। ओके ओके, अनदर टूरिस्ट मे हैव कम टू सी द गुम्पा। ओके, कहाँ से, कहाँ से? फ्रॉम देयर? ओके, थैंक यू। ओके, डाउन साइड लेफ्ट। ओके फाइन, चलो यहाँ पर उन लोग से बोला, यहाँ पर कुछ दूसरा भी व्यू पॉइंट है, इधर से लेफ्ट लेफ्ट जाएंगे। ये देखो, वे टू अमिताभ बुद्धा टेम्पल। अमिताभ का मतलब अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन आया था क्या यहाँ पर? ऊपर जाने का, जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं। Oh my love, really? দৌড়ে এসো, ঝাঁটা দেখো, সংসারের জন্য ঝাঁটা নিয়ে যাও কিছু। চম্পা, হ্যাঁ, ঠেলো পেছন দিয়ে ঠেলো। হ্যাঁ, তুমি তো মায়া বেশি। আমি তোকে বলেছিলাম তোমার ভাইকে ডেকে পাগলাকে পাঠিয়ে দাও, যাবে। কুছ দের উপর চড়নে কে বাদ অভি নিচে উতরনা পড়েগা। আর ওয়াহ পর এক বহুত হি বড়া বুদ্ধা কা স্ট্যাচু। তো বুদ্ধা কা স্ট্যাচু জানে কে লিয়ে চারো তরফ দেখো ইয়ে সফেদ সফেদ ফ্ল্যাগ লাগা হুয়া হ্যায় পর কুছ মন্ত্র মন্ত্র লিখা হুয়া হ্যায়। তো যা রহে উসকো এক্সপ্লোর করনে। তো ভাই ইস জগহ পে আও, আও গ্যাংটক মে ভি যা রহে হো তো উসকো বোল কর, মেরা সিরিজ পুরা দেখ লো, পুরা আইডিয়া মিল জায়েগা আপকো কেসে ইয়ে সব ऑब्बी ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में आप आ सकते हो। पूरा अलग सा सीन है गैंगटॉक को, हम लोग सोचते हैं सिर्फ एमजी मार्क, नाथुला और बाबा मंदिर, उसके सिवा भी इतना खूबसूरत खूबसूरत जगह है।
जो अगर आप नहीं आओगे तो आपको ये हिडन ट्रेजर, ये देखो ये है बुद्धा का मूर्ति, ये हिडन ट्रेजर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलते चलते एटलास में पहुंच चुका हूँ ये बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में, एंड लुक एट द ब्यूटिफुल बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री ओवर हियर। ऊपर भी जाएंगे बट सामने का नज़ारा तो देखिए, जस्ट इन वन वर्ड जस्ट वाव। ये सामने एक खूबसूरत सा ये लेक, पूरा ये पहाड़ों का रीजियन है और ये कितना खूबसूरत से क्लाउड है, और पहाड़ के एकदम ऊपर एट द टॉप ऑफ द हिल ये बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, ये स्टैचू है। जैसा आई एम एक्सप्लोरिंग राइट नाउ मैन, फीलिंग सो गुड, फीलिंग सो हैप्पी आफ्टर कमिंग ओवर हियर। तो अभी ऊपर जाना है, चलो ऊपर भी चलो, पर यहाँ पर जूता खोल कर नीचे जाना है। अंदर चलते हैं, ये अंदर का सीन है राइट, ये पूरा अंदर का सीन है, देख सकते हो पूजा के लिए ये सब कुछ रखा गया है। अभी ऊपर जाएंगे बट ठंड बहुत है यार, ऐसा लग रहा है पाँव को पैर को कुछ करंट लग रहा है। पीछे बौद्धिस्ट म्यूजिक चल रहा है पीछे, वाओ ये है एग्जैक्टली तो बौद्धिस्ट बुद्धा का मूर्ति, बहुत बड़ा बुद्धा का मूर्ति है ये देखो। सुन ये बुद्धा के दो पास दो एंजल्स हैं, कितना खूबसूरत है एनवायरमेंट में ये ब्यूटीफुल बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। ओके गुम्पा जिसे तिब्बतियन लैंग्वेज बोला जाता है, खास बात ये है जो तिब्बत का लोग है वही इसको रान करते हैं। पर यहाँ पर खड़े होकर ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए मैं घंटों स्पेंड कर सकता हूँ, आई कैन स्पेंड आवर्स आफ्टर आवर, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। पर ठंड बहुत है राइट, ठंड बहुत है, पर आते आते थोड़ा सा वार्म, इतना पानी से सीना पसीना हो चुका था, जैकेट मैंने उतार दिया था, अभी ठंड लग रहा है। नीचे बढ़िया सा लेक दिखाई दे रहा है, जस्ट व्यू, जस्ट सोचो जब यहाँ पर क्लाउड नहीं होगा तब इसका नज़ारा कितना खूबसूरत होगा। आपका नाम? मेरा नाम रिंचेन चिरिंग भुटिया। रिंचिंग? रिंचेन चिरिंग भुटिया। रिंचेन चिरिंग भुटिया। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सो गाइस ये जो पूरा मॉनेस्ट्री है, ओके इसको बौद्धिस्ट में मॉनेस्ट्री को क्या बोला जाता है? गुम्पा। गुम्पा, ये भी तो गुम्पा है ना? गुम्पा है ये, लेकिन ये जो अमिताभ गुम्पा है, अमिताभ गुम्पा है। ओके तो सर के साथ थोड़ा सा बातचीत हो रहा था, तो सर थैंक यू, सी यू, ओके अच्छा रहा है ना, तो बातचीत हो रहा था एंड वी हैड कलेक्टेड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपसे लाभ किया। तो यहाँ का जो बुद्धा, उसने बोला जो बुद्धा सिर्फ एक नहीं, बहुत बुद्धा टाइम टाइम में आते हैं। सपोज हम लोग हिंदू धर्म में जो होता है ना, जिस लाइक जो कृष्ण का, भगवान कृष्ण का अलग अलग अवतार अलग अलग युग में होता है, तो वैसे ही तो अलग अलग टाइम में बुद्धा की अलग अलग अवतार होता है अकॉर्डिंग टू ही। मुझको ज़्यादा कुछ पता नहीं था जो उसने बोला, तो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हम लोगों से बात हुआ। तो उसने बोला जो बौद्धिस्ट जो मंत्र है उसमें तो तीन भाषा, एक तो तिब्बतियन भाषा है, पाली भाषा है और संस्कृत भाषा भी है। इस भाषा सब भाषा को मिलाकर ये पर जो मंत्र जब जो होता है सब होता है। ये बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, बट ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ रही, तो हुडी मुडी मैं लगा चुका हूँ। सो गाइस ब्लॉग के ऊपर ख़त्म करते हैं। तो ये तिब्बती मॉनेस्ट्री गुम्पा को अगर अच्छा लगा तो आओ घूम के आ जाओ। कैसे आना है वो तो भाई पहले का वीडियो देखो, पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। ये अलग सा एक ऑर्बिट ट्रैवलिंग का डेस्टिनेशन है, कैसे आओगे, कैसे घूमोगे, किसके साथ कांटेक्ट करोगे, पिछले वीडियो देखो जो पहले मैंने डाला है, पूरा डिटेल्स दिया मैं देने की कोशिश किया। सो गाइस तो एक प्यारा सा खूबसूरत इन्वायरमेंट से, बहुत ही खूबसूरत जगह से व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर, वहाँ का ट्रेकिंग हो रहा है, ठीक है। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।